हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिजनरी डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछला वीडियो हम लोग देखे थे उसमें सीबीएसई के सैंपल पेपर के मैथमेटिक्स का हम लोग सोल्यूशन देख रहे थे, जिसका पार्ट वन हो चुका था, जिसमें हम लोग वन से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, इसमें हम लोग जनरली देखेंगे पार्ट टू है, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब इसमें जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो जनरली आपको 10 से लेकर के 20 तक का रहेगा। ठीक है, 10 से 20 तक में क्या एमसीक्यू क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है उसका सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो टेंजेंट्स, ठीक है, यहाँ पे दो टेंजेंट्स आपको कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के बाहर पॉइंट से इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। ठीक है, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। पहला टेंजेंट जैसे नाम मान के चलते हैं कि एक टेंजेंट हो गया, टेंजेंट का नाम है पी ए और दूसरे का नाम है पी बी। ठीक है, और इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, तो सपोज दैट ये सेंटर है ओ, तो इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल आपको बन रहा है 60 डिग्री का। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। देखो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग इसका कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ओ से पी तक को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ओ से पी तक को ज्वाइन कर लेंगे। आपको ये पता होगा कि ये टेंजेंट है, ठीक है, ये वाला आपका टेंजेंट है, जो पी पी आपका ड्रॉ किए थे वो आपको टेंजेंट है। ठीक है, और ये आपको ओ ए रेडियस है। तो टेंजेंट जो होता है वो जनरली आपको क्या होता है, टेंजेंट जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उस हिसाब से हमारा ओ पी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अच्छा, एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो ओ से पी को ज्वाइन करने वाला ये लाइन होता है, ये लाइन क्या करता है, इस एंगल को, इस पूरे एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इस पी ए का वैल्यू। ठीक है, और ए ओ का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये इमेजिन करो कि इस 30 डिग्री के लिए आपको ओ ए क्या है, तो 30 डिग्री के लिए ओ ए जो है वो आपका कुछ हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये पी ए क्या है, तो पी ए आपको बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये जो पार्ट होगा ये आपको क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे किसका, अब बताओ, परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है। तो हम लोग इन ट्राइंगल कौन सा लेकर चलेंगे, ए ओ पी को लेकर के चलेंगे। तो इसमें हम लोग टैन 30 अप्लाई करेंगे, तो टैन 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन क्या लिखेंगे, पी ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओ ए का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। पी ए का वैल्यू, वी हैव टू फाइंड इट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पी ए इक्वल टू आपको मिलेगा 3√3 सेंटीमीटर। और सिंस दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। चलिए सेकंड वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर का आपको क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का आपको दिया हुआ है स्क्वायर है, ये आपको एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है इस तरीके से, जो इसके चारों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल सा बात है कि अगर सपोज दैट अगर हम यहां से यहां तक इसको ज्वाइन करते हैं, तो इसको ज्वाइन करने पर यह क्या बनेगा, इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन सर्कल के लिए ये क्या है, सर्कल के लिए ये डायमीटर है, तो डायमीटर का वैल्यू कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस का वैल्यू डायमीटर बाई 2 होता है,
यानी कि 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पाई में ही छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन पाई में है, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 पाई। अब कौन सा ऑप्शन में है 9 पाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखो इसमें बता रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3। किसका किसका सम दिया हुआ है, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, तीनों का दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। अच्छा डायगोनल का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 2√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, तो टोटल सर्फेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। अच्छा ये आपको कहां से आएगा, क्वेश्चन में तो आपको L प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सेगमेंट होता है 2 × LB + BH + HL, ये आपको एक जाना माना फॉर्मूला में आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे, a+b+c² में, ठीक है। कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर इसी के जगह पर रिप्लेस करें l+b+h² तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, l² + b² + h² + 2lb + 2bh + 2hl, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यही तो हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया है, यही हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक बात बताओ l+b+h का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, तो 6√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे 6√3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अच्छा क्या l² + b² + h² का वैल्यू दिया हुआ है, तो नहीं सर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखो डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2√3। अच्छा डायगोनल का होता फॉर्मूला क्या है, √l² + b² + h² = कितना दिया हुआ है 2√3। अब इस रूट को उस तरफ भेज दोगे तो रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो यहाँ से बताओ l² + b² + h² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2√3 का स्क्वायर, और 2√3 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे कितना, इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसके जगह पुट कर देंगे 12, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसके जगह पे लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है 2 × LB + BH + HL। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 12 का 12 प्लस TSA। अब हमें TSA का वैल्यू निकालना है तो 12 को इधर लेके आना पड़ेगा, 36 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 108 -12 = TSA। तो TSA का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो TSA का वैल्यू हो जाएगा 108 में से 12 माइनस कर दो, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ एक बात और, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, जब भी आप वीडियो को देखिए पूरा देखिए, ताकि आपको जो भी डाउट हो क्लियरली पता चल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्या बता रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, अब देखो मोड और मीडियन इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 24, तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे मोड इक्वल टू 3 × median - 2 × mean, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा
अगर यहां से हम मोड का वैल्यू निकाल ले तो कितना हो जाएगा, तो यहां से मोड का वैल्यू हो जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो मोड का, क्योंकि हमको मोड चाहिए ना, हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, मीडियन और मीन चाहिए, तो हमको मीडियन और मीन से मतलब है, तो हम मोड का वैल्यू यहाँ से निकाल करके फाइंड आउट करके यहाँ पे मोड का वैल्यू पुट कर देंगे। तो मोड का वैल्यू कितना लिखेंगे, 24 प्लस क्या लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, यानी कि ओवरऑल आप 3 मीडियन भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, अब मीडियन को इधर लेके आ जाओ, तो 24 को 24 छोड़ दो, ये 3 मीडियन है और ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 मीडियन माइनस क्या हो जाएगा, मीडियन, अब माइनस क्या है 2 इंटू मीन। 24 को जस्ट कितना छोड़ दो, 3 मीडियन में से 1 मीडियन माइनस कर देंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, तो 2 मीडियन बचेगा, माइनस क्या बचेगा 2 मीन। अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, मीडियन माइनस मीन। अब इधर 24 था, 2 से ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बार में, तो मीडियन माइनस मीन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो बताओ मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाई ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो देखो सीधा सीधी आपको बताया गया होगा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो जितना डिस्टेंस है उसमें हम लोग सर्कमफेरेंस से क्या कर देते हैं, सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देते हैं। अब नॉर्मल सवाल था डिस्टेंस कितना है, तो अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस 11 किलोमीटर दिया हुआ है और रेडियस आपको 0.25 मीटर दिया हुआ है, तो या तो डिस्टेंस को मीटर में चेंज करना पड़ेगा और नहीं तो फिर रेडियस को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सेम रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को जो 11 किलोमीटर दिया हुआ है इसको मीटर में चेंज करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग बाई 1000। अब ये 0.25 मीटर है तो इसको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 11 को 11 छोड़ देते हैं, 1000 को 1000, 2 को 2, पाई का वैल्यू 22 बाई कितना होता है 7, और r का वैल्यू कितना है तो 0.25। अब इसको ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो 11 इंटू क्या लिखोगे 1000, ये पॉइंट को हटा दोगे तो ऊपर कितना चला जाएगा बाई 100, ये कितना इधर बच गया 2 इंटू 22 इंटू 25, और ये 7 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, कैंसिल आउट कर लो, 11 टू जा 22, ये 4 बार में कैंसिल आउट, 2 टू जा 4 कैंसिल आउट, तो बच गया कितना 7 इंटू 1000, यानी कि हो जाएगा 7000। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। चलिए अब आगे जो भी प्रॉब्लम इसमें होगा क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड आउट करना है सम, किसका किसका सम, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, दिमाग में रखना मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमको सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये फर्स्ट वाला फ्रिक्वेंसी 10, सेकेंड वाला फाइंड आउट करने के लिए 10 और 15 दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो 25, थर्ड वाला फाइंड आउट करने के लिए 25 और 12 को ऐड करना पड़ेगा तो 37, नेक्स्ट का पता करने के लिए 37 में 20 ऐड करना पड़ेगा यानी कि हो जाएगा आपको 57, और नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको 57 में 9 ऐड करना पड़ेगा यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 66।
यानी कि ओवरऑल एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया 66। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एन बाई टू का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एन बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 66/2 यानी कि 33। अब बताओ 33 से जस्ट बड़ा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना हमें, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे जस्ट बड़ा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो अगर आप देखोगे तो इससे जस्ट बड़ा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिखाई देगा, इससे जस्ट बड़ा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको 33 से जस्ट बड़ा कौन है, 37 है। कौन है, 37 है, सबसे बड़ा कौन है, सॉरी एन बाई टू का वैल्यू कितना है 33, तो इससे जस्ट बड़ा वैल्यू कौन है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 37 है। यानी कि ये जो क्लास आपको होगा, ठीक है, ये जो क्लास होगा, ये वाला क्लास, ये आपका क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का वैल्यू कितना हो गया, मीडियन क्लास का अगर हम लोग वैल्यू लेकर के चलेंगे तो मीडियन क्लास का वैल्यू कितना हो गया, तो मीडियन क्लास का वैल्यू हो गया 10/15। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा समझो मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, 20 है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है, और 20 का क्लास इंटरवल कौन है, 15 to 20। तो हमें किसका किसका सम फाइंड आउट करना था, हमें किसका किसका सम फाइंड आउट करना था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कौन है, 10, ठीक है, और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कौन है, तो 15। तो 10 और 15 दोनों को ऐड कर देंगे, ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बोल रहा है कि टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब देखो, जब दो डाइस को हम लोग, ठीक है, दो डाइस को हम लोग जब एक साथ रोल करते हैं, तो एक साथ रोल करने पे कितने टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, तो टोटल आउटकम्स जो आते हैं वो आपको आते हैं कितने, 36। कितने आउटकम्स आते हैं टोटल, 36, ठीक है। अब उसमें से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वन टाइम्स, ठीक है, 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 6 कहां कहां पे आएगा, 6 और 1 में आएगा, 6 और 2 में आएगा, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, फिर जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6। अब देखो हम लोग 6 और 6 नहीं लिख सकते क्योंकि ये और ये दोनों का दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास कितने टोटल डेटा आ गए, इधर 6 और इधर 5, तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो ओवरऑल 11 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 11/36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 18 बोल रहा है कि 5 tan बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले देखो 5 tan बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 tan बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसका, एक काम करो यहीं पे छोड़ दो इसको, इसको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा बाय 5 साइन बीटा, इस बार प्लस दे दिया, 2 कॉस बीटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों को कॉस बीटा से डिवाइड कर देंगे, दोनों को कॉस बीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो आपको वैल्यू किसका दिया हुआ है, टेन का, और टेन का फॉर्मूला आपको पता है कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बीटा भाई क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। तो साइन बीटा तो हमारे पास है, यहाँ भी है साइन बीटा, यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉस से डिवाइड कर देंगे ताकि वो टेन में चेंज हो जाए। नीचे भी वही काम करेंगे, 5 साइन बिट्टा दिया हुआ है, नीचे क्या कर देंगे, कॉस बिट्टा, यहां भी प्लस 2 कॉस बिट्टा,
बाई कॉस बीटा, ये कितना आ गया 5 टेन बीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है टेन माइनस, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट तो टू, यहाँ देखो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो 5 टेन बीटा प्लस कॉस से कॉस खत्म क्या बच जाएगा टू। अब बताओ क्या हमें वैल्यू 5 टेन बीटा का वैल्यू पता है, 5 टेन बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 माइनस टू, नीचे यहाँ भी इसके जगह पे क्या पुट करेंगे 4, तो 4 प्लस टू यानी कि ओवर रूल ऊपर 2 नीचे 6, यानी कि आंसर कितना 1/3, 1/3 इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बता रहा है, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, तो इसमें पहले ऑप्शन समझो कि ऑप्शन कैसे चूज करते हैं। ठीक है, वो तो एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक उसका रीजन दिया हुआ रहेगा, उन दोनों को आपको रीड करना है, और ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना होता है बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता होता है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले देखो आपको पहला असर्शन यानी कि ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना है, ये स्टेटमेंट पढ़ना है, अगर स्टेटमेंट सही है ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट को भी पढ़ना है। ठीक है, आपको सेकेंड स्टेटमेंट भी सही लगता है, यानी कि आपको असर्शन भी सही लगा, रीजन भी, लिखा हुआ बात अगर सही आपको लगा ठीक है, तो आप देखो कि दोनों के दोनों सही है कि नहीं है। अब दोनों के दोनों अगर सही हो गया तब आपको चेक करना होता है कि क्या ये जो रीजन दिया हुआ है वो इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए सुटेबल है कि नहीं है वही हमको देखना है। ठीक है, ऊपर जो असर्शन दिया हुआ है क्या ये रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर असर्शन सही होगा, रीजन भी सही होगा, और ये रीजन इसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा होगा, यानी कि असर्शन के लिए बेस्ट रीजन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कब सिलेक्ट करेंगे ये फिक्स रहता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये फिक्स रहता है, असर्शन रीजन का जो ऑप्शन रहता है ये फिक्स रहता है कि अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आपको असर्शन को बेस्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तब ऑप्शन नंबर हम लोग बी सिलेक्ट करेंगे। अगर असर्शन आपको सही लगता है लेकिन रीजन जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सी। असर्शन अगर आपको गलत लगता है लेकिन रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, एक हम लोग सिंपल सा एक बात समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। जैसे समझो, अगर हम आपको एक स्टेटमेंट देके समझाते हैं इस तरीके से, मान के चलो कि हम आपको असर्शन देते हैं, ठीक है, गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, गोल्ड का यूज कहां पे किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में, और रीजन दे रहे हैं कि गोल्ड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ तुम लोग ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है कि गोल्ड का यूज कहां पे किया जाता है, गोल्ड का यूज किया जाता है आपको ज्वेलरी बनाने में, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, गोल्ड का यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। और रीजन में क्या लिखा हुआ है कि गोल्ड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात सही है कि गोल्ड तुम्हारा क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि स्टेटमेंट तो दोनों सही है, स्टेटमेंट क्या है दोनों सही है, लेकिन क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए सही है, गोल्ड का यूज ज्वेलरी बनाने में क्यों किया जाता है,
तब इसका रीजन हम क्या बोलेंगे कि गोल्ड आपको बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं ये रीजन तो नहीं होगा। तो यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, रीजन क्या होगा इसका, तो रीजन होगा कि जो गोल्ड होता है उसके पास उसके सरफेस जो होते हैं साइनी होता है, उसमें कोरोजन बहुत ही क्या होता है लेस होता है, ठीक है, इस ये रीजन हो सकता था उसका। लेकिन यहाँ पे रीजन आपको बता रहा है कि गोल्ड जो होता है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अब जाहिर सी बात है ये रीजन इसके लिए तो सही नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट ये दोनों के दोनों सही है लेकिन ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगर यही रीजन इसको एक्सप्लेन कर देता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर देता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता, ए हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब समझ, आई होप आप समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार बोलिएगा, हम इस तरह के क्वेश्चन और भी सोल्व करवा देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है थोड़ा समझो ध्यान से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 5780 और उसका HCF आपको 17 दिया हुआ है, तो LCM 340 होगा। आप लोग पढ़े होंगे LCM फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई में होता है HCF, ठीक है, सिंपल आपको समझा रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है 5780। अरे आप इसके जगह पे a इंटू बी भी पढ़े होंगे, तो वही a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके 5780 दे दिया। बाई में HCF का वैल्यू कितना दिया हुआ 17। अब 17 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 340 ही आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करिएगा तो 34 आ जाएगा, यानी कि LCM 340 होगा। ये भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि LCM कितना होगा 340 होगा, यानी कि असर्शन तो सही है, ठीक है। अब आपको रीजन में क्या बता रहा है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। किसी भी दो नंबर का अगर आप HCF निकालोगे तो और LCM निकालोगे तो HCF हमेशा एक अच्छा फैक्टर होता है, यानी कि HCF हमेशा फैक्टर होता है किसका, LCM का, यानी कि HCF हमेशा LCM को पूरे पूरे डिवाइड कर देता है। जैसे कोई भी दो नंबर लो, मान के चलो कि 8 और कितना लेते हैं 8 और 12 लेते हैं, तो 8 और 12 का अगर हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे तो HCF तो हो जाएगा 4 और LCM कितना हो जाएगा 24। तो नॉर्मल सा बात है कि 4 जो होता है वो 24 का फैक्टर है, ठीक है, यही नहीं कोई और भी नंबर लेके चलो, मान के चलो कि 12 और 20 लेके चलते हैं, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा 2, ठीक है, इन दोनों का सॉरी 2 कह रहा हूं 4, और LCM कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जब अगर LCM आप निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 60। अब जाहिर सी बात है कि 4 जो होता है वो 60 का क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी कि HCF जो होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट बता रहा है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, तो ये बात सही है कि HCF जो होता है, किसी भी दो नंबर का HCF निकालो उसका LCM निकालो, ठीक है, तो HCF जो होता है वो हमेशा क्या होता है एक अच्छा फैक्टर माना जाता है किसका, LCM का, ठीक है। HCF जो होता है वो हमेशा एक अच्छा फैक्टर होता है किसका, LCM का, ठीक है। तो लेकिन क्या ये जो रीजन है क्या यहाँ पे सुटेबल है, यहाँ पे हम लोग LCM क्या उस तरीके से निकाले हैं, नहीं, यहाँ पे LCM हम लोग दूसरे तरीके से निकाले हैं, और इसके कहने का मतलब कुछ और है, यानी कि ये जो रीजन है इस वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो असर्शन भी सही है रीजन भी सही है लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि इसके लिए रीजन क्या होता, तो रीजन आपको ये फॉर्मूला दे सकता था कि अगर LCM फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, रीजन में ये क्या लिख सकता था कि क्या निकालना था, फाइंड आउट LCM, तो LCM इक्वल टू क्या लिख सकता था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अब आई HCF लिख देता, तो ये आपको इसका करेक्ट रीजन होता, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बता रहा है, फिर से वही है स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन वाला, तो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने के लिए बता दिए, असर्शन सही रीजन भी सही और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, असर्शन सही रीजन भी सही लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, असर्शन सही रीजन गलत, तो ऑप्शन नंबर सी,
असर्शन गलत, रीजन सही, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखो। यहाँ पे बता रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए ए बी सी। इसमें बता रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, एक आपको दिया हुआ है 3 5 जिसका नाम है डी, और एक आपको ई जिसका कोऑर्डिनेट है -3 और -3। ठीक है, तो आपको बताना है कि देन बीसी का जो वैल्यू होगा, ये जो बीसी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 20। तो देखो बीसी का वैल्यू तो हम लोग तब पता करेंगे तब हम लोग डीई का वैल्यू पता होगा। तो डीई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 का वैल्यू कितना है, -3, यहाँ पे 3, तो -3 में से घटा देंगे 3 को स्क्वायर, फिर -3 और ये 5, तो -3 -5 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, -3 -3 -6 का स्क्वायर, और ये -3 और -5 ये आपको हो जाएगा -8 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना, 36, और इसका स्क्वायर कितना, 64, ओवरऑल 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 10। अब आपको पता है कि ये 10 हो गया, तो आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम एक पढ़े होंगे, ठीक है, एक आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया गया था कि ट्रायंगल के अगर किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ रहता है तो वो तीसरे साइड का पैरेलल होता है, ठीक है, और वो तीसरे साइड का हाफ होता है। यानी कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये मिड पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन होता है वो इस वाले का पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। यानी कि अगर इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू 5 होगा, इसका वैल्यू 20 तो इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 30 तो इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू अगर मान के चलो कि 15 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5। तो एक बात बताओ, ये और ये क्या था, मिड पॉइंट ही था। तो अगर इसका वैल्यू 10 है तो ये जो 10 होगा इसका बीसी का क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि ओवरऑल बीसी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 20। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि बीसी का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। अब रीजन में क्या बता रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और वो उसका हाफ भी होता है। यही बात अभी आपको हम बताए थे, ठीक है, कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसके दो साइड का अगर मिड पॉइंट पता है तो इसको ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन होता है इसका हाफ होता है। यानी कि अगर ये 20 है तो ये क्या होगा, 10 होगा। और यहाँ रीजन भी वही आया, तो यानी कि असर्शन तो सही था ही, क्यों, क्योंकि बीसी का वैल्यू, क्वेश्चन बोल रहा था कि बीसी का वैल्यू 20 आना चाहिए, बीसी का वैल्यू कितना है, 20 आया। और रीजन ये बता रहा है कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ये लाइन और ये लाइन, यानी कि डीई और बीसी जो होगा वो पैरेलल होगा और डीई जो होगा वो हाफ होगा किसका, बीसी का। तो ये भी बात यहाँ पे सही है, यानी कि स्टेटमेंट तो सही है ही, रीजन भी सही है, और रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए था। इस तरीके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर इस पर और ज्यादा वीडियो चाहते हैं असर्शन रीजन वाले पे तो कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर और वीडियो चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आज का ये 20 तक ही क्वेश्चन था, 20 तक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और साथ साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आता है वो बेल भी आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। हाँ, कुछ भी डाउट होगा, कोई भी टॉपिक में डाउट होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि हाँ सर इस टॉपिक में डाउट है, हम उसको वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।